गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आद्यंत मम्मा। तो आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ केरला का ट्रेडिशनल डेजर्ट जो कि होता है पायसम। अगर आप जब भी केरला आएंगे तो आप यहाँ के लोकल फूड को जब ट्राई करेंगे जो कि होता है सद्या, तो सद्या के साथ में आपको डेजर्ट के तौर पे पायसम ज़रूर मिलेगा खाने के लिए। वो सर्व करेंगे खाने के साथ। पायसम कई टाइप्स का होता है, 4 to 5 बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मुझे थोड़े से टाइप्स पता हैं, लाइक सेविया पायसम, कडला पायसम, कडला परेपू पायसम, पर्रम पायसम, साबुदाना पायसम, एक दलिया का पायसम भी बनता है, राइस पायसम। तो ये ले ली है मैंने चने की दाल जिसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगोया था, और अब ले रही हूँ मैं कुकर और गैस को ऑन कर लेते हैं। पहले गैस को आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे देसी घी। पूरा कुकिंग में आपको देसी घी का ही यूज़ करना है पायसम बनाने के लिए, आप चाहे कोई भी पायसम बनाएं। तो जैसे ही घी हमारा गर्म हो गया, मैंने यहाँ पे दाल जो कि चने की है, सभी को पता है चने की दाल, मैंने ऐड कर दी इसमें। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे कडला परीपू पायसम, मतलब चने की दाल का पायसम जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया घी में डाल के, और उसके बाद ये देखिए पानी ऐड कर दिया है। 1 कप दाल ली थी मैंने चने की, उसमें मैंने करने के बाद 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर दिया। और ये निकाल रहे हैं कोकोनट फॉर कोकोनट मिल्क, क्योंकि हमें इसमें कोकोनट दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए दाल हमारी तैयार हो गई, और एक साइड में हम ये गुड़ को मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि इसको स्वीट करने के लिए इसमें गुड़ का ही यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी पायसम आप बनाएं। तो ये देखिए गुड़ को ऐसे मेल्ट कर लेना है आपको, लो फ्लेम पे रख के ही गुड़ को मेल्ट करें, अदरवाइज़ उसमें जलने की बदबू खुशबू आने लगेगी। और ये मैंने भिगो दिया है साबुदाना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी का साबुदाना भी पड़ता है। और ये कोकोनट ग्राइंड हो गया है, अब इसका हम दूध निकालेंगे। तो पहली बार मैं आपको कोकोनट ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है बिना पानी को ऐड करे हुए। तो ये देखिए कोकोनट ग्राइंड हो गया, और इसको मैं एक छन्नी में डाल के दूध यूं करके तवा के निकाल ले रही हूँ। आप चाहें तो हैंड वॉश करके हाथों से भी निकाल सकते हैं ईज़िली। और इधर हमारी ये दाल देखिए पक गई है, इसमें 3 से 4 सीटियाँ लगानी है आपको, क्योंकि चने की दाल थोड़ा देर में पकती है। और पकने के बाद आप देखिए पानी बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में पड़ा था। इसको हम अब अच्छे से मैश कर ले रहे हैं, चने की दाल को अच्छे से मैश कर लेना है। फ्लेम उस टाइम मैंने बंद कर दी थी, अभी फिर से फ्लेम को ऑन कर दिया है, मतलब गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मेल्टेड गुड़ को, उसको भी एक छन्नी से छान लिया, देखिए ऐसे ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और कंटिन्यू थोड़ी देर तक इसको चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब फिर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे साबुदाना, देन मैं ऐड कर रही हूँ इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर का यूज़ करें, मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था इसलिए मैंने इलायची का यूज़ किया है। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है किशमिश को, किशमिश आप इसी टाइम ऐड करें जिससे कि जब तक ये पकेगा तो किशमिश भी इसमें फूल जाएगी। देन अब जो मेन इन्ग्रीडियंट होता है कोकोनट मिल्क, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। तो ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसको ऐसे चला चला के देखते रहना है। और अब इसको हमें दूध ऐड करने के बाद 5 से 10 मिनट तक पकाना है। जैसे ही साबुदाना आपको लगना, दाल तो ऑलरेडी पकी हुई है, साबुदाना आपको चेक करना है कि जैसे ही वो पक सल जाए वैसे ही आपका पायसम बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं बार बार इसको चला रही हूँ, इसमें बबल्स आ रहे हैं, और अब ये बनके तैयार हो गया है हमारा पायसम। तो ये देखिए कितना एकदम डिलीशियस दिख रहा है। तो इसको मैंने निकाल लिया है एक अलग बर्तन में, और अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तो इसमें तड़का का एक बहुत मेन रोल पार्ट होता है, मेन रोल होता है। तो ये देखिए अब मैंने कटोरी में, ये मेरी तड़के वाली कटोरी है, उसमें मैंने देसी घी डाल लिया था। देसी घी डालने के बाद इसमें कैश्यू
डाल लिए हैं। कैश्यू से एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हर पायसम में आपको कैश्यू ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप जब पायसम बना रहे हो तो आपके पास कैश्यू हो, और कैश्यू ज़रूर ऐड करें। तो ये देखिए कैश्यू मेरा भुन गया है देसी घी में। तो कह सकते हैं कि पायसम में देसी घी का बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है। तो ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो कैश्यू मेरा भुन गया है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये है मेरे पायसम का फाइनल लुक। इतना बनाना तो लाई नहीं, टेस्ट करके देखने दो कैसे बना है। पायसम कटला, पायसम गम है। चलो खाओ। थैंक यू दादा, ए1 क्लास है, मजा आ गया। गम है आदि, अभी नहीं खा दूं गम। कैसा है बच्चों, मम्मा ने आज कुछ ठीक बनाया? आदि कैसा है? ऐसा है, ऐसा है। बहुत ही अच्छा बना है। झूठ तो नहीं कह रहे हो? झूठी मुट्टी थोड़ा मीठा खाना है, मीठा खाना है, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। आदि को भी तो खिला दो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Audio Jungle.